झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। झारखंड पुलिस अपनी गाड़ी के पीछे घसीट कर थाने ले गई लाश, मानवता शर्मसार हुआ। जिसने भी देखा फट गया कलेजा। अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले झारखंड पुलिस आज फिर से चर्चा में आ गई। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में पुलिस अपने वाहन के पीछे बांधकर एक लाश थाने तक ले गई। यहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक सीसीएल कर्मी का शव पुलिस ने स्ट्रेचर समेत अपने वाहन से बांध लिया और करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक उसी हालत में ले गया। झारखंड पुलिस का यह अमानवीय व्यवहार देखकर हर कोई सकते में है। खबर है रांची से, 8 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ नशे का सौदागर गिरफ्तार। बिहार के नवादा से कोडरमा लेकर आया ब्राउन शुगर। कोडरमा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 8 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तिलैया थाना के झुमरी निवासी रोनाल्ड रिग्नी तिरके पिता स्वर्गीय दिलीप तिगरी वाहन सहित गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी को सूचना मिली थी कि नवादा बिहार की ओर से एक बोलेनो कार संख्या JH01CW8744 में ब्राउन शुगर लेकर कोडरमा की ओर जा रहा है। यह खबर है जमशेदपुर से। एक्शन में जमशेदपुर के डीसी, जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय का अचूक निरीक्षण। मची भगदड़, धरे गए 2 दर्जन कंप्यूटर ऑपरेटर, निकला फर्जी। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में बुधवार को दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई जब उपायुक्त सूरज कुमार का वाहन प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। डीसी को देखते ही बिचौलिया व दलाल भागने लगे। इस क्रम में उपायुक्त के इशारे पर करीब 2 दर्जन लोगों को परसुडीह थाना की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। इससे एक ऐसा युवक भी था जो अपने आप को प्रखंड का कर्मचारी बता रहा था। सत्यापन के लिए जब उसका आई कार्ड दिखाया गया तो वह फर्जी निकला। युवक अपने आप को कंप्यूटर ऑपरेटर बता रहा था। फर्जी हथियार के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन को पुलिस ने भेजा जेल। फर्जी हथियार लेकर CPWUD कार्यालय में ड्यूटी करने वाले गनमैन अभिषेक कुमार का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया। सरायढेला पुलिस उसे जेल भेजने से पूर्व कोविड-19 जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट आने के बाद बुधवार की दोपहर अभिषेक को जेल भेजने के लिए पुलिस न्यायिक हिरासत में भेजे करने के लिए कोर्ट ले गई। अभिषेक को सरायढेला पुलिस मंगलवार को गिरफ्तार किया था। सरायढेला बापू नगर निवासी अभिषेक कुमार के खिलाफ बगैर लाइसेंस के हथियार रखने का आरोप लगाया गया है। उसके 2 साथी संजय कुमार व मुकेश कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। सरायढेला थाना प्रभारी किशोर तिर्की ने बताया कि अभिषेक के पास से जब हथियार का कोई लाइसेंस नहीं मिला था, उसने पुलिस को कोई लाइसेंस भी नहीं दिखाया है, लिहाजा पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज रही है। खबर है रांची से, सीएम हेमंत के काफिले पर हुए हमले को लेकर डीजीपी हुए सख्त। बोले, दोबारा ऐसी हिम्मत किसी ने की तो हाथ पैर तोड़ देंगे। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले को लेकर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि दोबारा किसी ने इस तरह की घटना को दोहराने की जरूरत की तो मौके पर ही उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। सीएम हेमंत के कारकेड पर हमला मामले में रांची के 2 थाना प्रभारी पर कार्रवाई, डीजीपी ने किया सस्पेंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले पर डीजीपी एमबी राव ने रांची जिला के 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में सुखदेव नगर थाना प्रभारी और कोतावाली थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि मंगलवार को राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की है। वहीं रांची डीसी एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। झारखंड में मुर्गे के व्यापार पर कड़ी नजर, बर्ड फ्लू का बड़ा खौफ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि बर्ड फ्लू के चलते राज्य में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है। झारखंड को अलर्ट मोड में रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बृहद पैमानों पर समीक्षा के उपरांत और भी सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सीमा सील करने जैसी स्थिति नहीं है। सभी जिला उपायुक्तों को पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया गया है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और खेलों से, क्या बढ़ने जा रहा है यात्री ट्रेनों का किराया, रेलवे ने दी खुद सफाई। कुछ दिन पहले ये खबर चर्चा का विषय थी कि रेलवे यात्री भाड़ा बढ़ाने जा रहा है। इस खबर को भारतीय रेलवे ने खुद ही खारिज कर दिया है। भारतीय रेल ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, मीडिया में चल रही खबरें निराधार है, यानी आप अभी महंगे किराए की चिंता किए बिना सफर कर सकते हैं।
ईरानी केसर ने बिगाड़ा कश्मीरी बाजार का खेल। 200 रुपए प्रति ग्राम मिलने वाला केसर अब 70 रुपए में बिक रहा है। सूखी मेवा हो या मसाले, रेट के मामले में दोनों के बीच केसर ही है जो लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। और अगर आपके दाम भी इतने गिर जाए कि कारोबारी सख्ते में आ जाए तो चौंकाना लाजमी है। ईरानी केसर भारतीय बाजार में आने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ है। कश्मीर केसर का बाजार औंधे मुंह आ गिरा है। केसर के रेट में भी कहे तो आसमान से जमीन पर आ गिरा है। अब बिना जेब की परवाह किए केसर की चाय और केसर के दूध का मजा लिया जा सकता है। किराए के घर में रहकर करते हैं नौकरी तो इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, जाने एचआरए पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का तरीका। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने कॉर्पोरेट हाउसेस और आम लोगों की मांग पर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को डेडलाइन बढ़ाया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने उन व्यक्ति टैक्स पेयर्स जिनका ऑडिट नहीं होता है के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 10 जनवरी तक की थी, जबकि जिन टैक्स पेयर्स की रिटर्न ऑडिट होता है उनके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 तक तय किया गया था। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है वे जल्द करें, नहीं तो फाइन देने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कि कौन से लोग HRA पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है। गिनती शुरू, 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को आएगा बजट। देश के आम बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के आम बजट पेश करेंगी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की है। CCPA ने 29 जनवरी से बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की है। 29 दिन बाद बढ़े पेट्रोल और डीजल के भाव, जानिए आपके शहर के रेट। कल 29 दिन बाद दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे महंगे हुआ, जबकि डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपया बढ़कर 83.97 रुपया हो गया है। मुंबई में 90.34 रुपया से बढ़कर 90.60 रुपया हो गया। कोलकाता में 85.19 रुपया से बढ़कर 85.44 रुपया हो गया। चेन्नई में पेट्रोल 86.51 रुपया से बढ़कर 86.75 रुपया प्रति लीटर हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 9.6% गिरावट का अनुमान है। विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। यह परिवार के स्तर पर व्यय और निजी निवेश में आई कमी को प्रतिबिंबित करता है। वही अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा कि COVID-19 महामारी से असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आय बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र में 80% लोगों का रोजगार मिला हुआ है। CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर बंपर भर्ती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 690 पदों के लिए भर्ती की जानी है। हालांकि विज्ञापन में लिखा है कि पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। यूनिट कमांडर्स द्वारा आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2021 है। वही संबंधित DIHC द्वारा आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2021 है। इन पदों पर भर्ती लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के माध्यम से की जाएगी। PTET 2020, टेट 7 मार्च को प्रस्तावित, अनुमति का इंतजार। कोरोना के कारण 2020 में नहीं कराई जा सकी शिक्षक पात्रता परीक्षा। साल 2020 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 मार्च को कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से टेट का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पहले फरवरी अंत में परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन ने अनुमति मिलने से देर होने से अब 7 मार्च की तिथि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कहा, गौ विज्ञान पर ऑनलाइन होगा राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन।
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने मंगलवार को कहा कि देश गाय और इसके फायदे के बारे में छात्र आम लोगों के बीच रुचि पैदा करने के लिए वह 25 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक ऑनलाइन गो विज्ञान परीक्षा का आयोजन करेगा। प्रणव मुखर्जी किताब के इस अंश से परेशान कांग्रेस, भारत में विलय चाहता था नेपाल मगर नेहरू ने ठुकराया था प्रस्ताव। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपनी बहुचर्चित ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में चौंकाने वाला दावा किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि नेपाल को भारत में विलय करने के प्रस्ताव को नेहरू ने खारिज कर दिया था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में दावा किया है कि नेपाल के भारत में विलय करने के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। बार 12 नहीं 11 साल बाद ही होगा कुंभ मेले का आयोजन। देश में 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शामिल है। इस मेले के पीछे की कहानी यह है कि गुरु 12 साल में अपनी एक पूरे चक्र को पूरा करता है। कुंभ के आयोजन में सूर्य और देव गुरु बृहस्पति की अहम भूमिका मानी जाती है। इन दोनों ही ग्रहों की परिचालन गणना के आधार पर कुंभ के आयोजन का समय निश्चित किया जाता है। इस बार हरिद्वार में आयोजित होने वाला यह कुंभ मेला कई मायने में खास है, क्योंकि हर साल की तरह इस बार कुंभ का मेला 12 वर्ष में नहीं 11 वर्ष में लगने वाला है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीताराम मांझी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, अब समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून बनाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं पता नहीं। ये हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं। इंडियन रेलवे के इस कारनामे के नतमस्तक है इंग्लैंड, अमेरिका के भी इंजीनियर जाने इसकी खूबियां। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का तमगा प्राप्त कर चुकी शेषनाग और सुपर एनाकोंडा की ख्याति देश की सीमाएं लांघकर विदेशों तक जा पहुंची है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के ऑनलाइन व्याख्यान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने विद्युत ट्रैक्शन व भारतीय रेलवे में राइट पावरिंग के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने 4 रैक एक साथ जोड़कर चलाई जा रही मालगाड़ियों की तकनीक भी साझा की। व्याख्यान में भाग लेने वाले अमेरिका और इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संस्थानों के इंजीनियर और अभियांत्रिकी छात्र भी इस तकनीकी के बारे में जानकर चकित रह गए और सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्टर्न डेडिकेटेड और फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर न्यू एटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। खबर खेल जगत से, कप्तान रहाणे को इन दो खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें। तीसरे टेस्ट से पहले गिनाई खूबियां। टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में इन दो खिलाड़ियों के काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन की नई चीजें सीखने की ललक और हरफनमौला रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी में सुधार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट श्रीलंका के शुरुआती दो मैचों में भारत का भी फायदा हुआ। अजिंक्य रहाणे ने कहा कि आज के टेस्ट में रोहित शर्मा करेंगे पारी का आगाज। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।